यही रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। रानी कुंवर ज्योति जो जी हैं, यही रास्ता जाता है। यही मेन रानी की सराय का मुख्य द्वार है। जय हिंद साथियों। तो आज हम आपको एक ऐसे इतिहास के बारे में रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद आप अनजान होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहनगर के राजा हरिवंश सिंह जी के बारे में। तो राजा हरिवंश सिंह जी जब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए तो उनकी सनातनी पत्नी रानी रत्न कुंवर ज्योति जी उसको ना स्वीकार करके ठुकरा के, क्योंकि रानी सनातनी और हिंदू एक वीरांगना महिला थी और उसको इस्लाम धर्म को ठुकरा कर या चली आती हैं, अपने राजा से नाराज होकर सेठवल चली आती हैं। सेठवल आने के बाद अपने राजा से 52 एकड़ भूमि को मांगने के बाद 1629 में वह सेठवल में पोखरा, हनुमान जी का मंदिर, कुआं और अपने रहने के लिए आश्रम का एक ही दिन में निर्माण करवाती हैं। करवाने के बाद वहाँ एक दिन रुकती हैं और अगले दिन राजा आते हैं और उनको मनाकर लेकर चले जाते हैं। इसके साथ साथ रानी सनातनी होने के कारण अपने वसीयत नामा में उन्होंने लिखा कि हमारे कस्बे में कोई भी मस्जिद इमामबाड़ा नहीं बनेगा और वर्तमान समय में भी यह लागू है, अब तक नहीं बना है, आप आके देख सकते हैं। इसके साथ साथ रानी के नाम पर ही रानी का सराय नाम पड़ा है। और कहना चाहेंगे कि जो भी युवा अपने पुरखों पूर्वजों के बारे में इतिहास को नहीं दोहराते हैं वह भविष्य में इतिहास को नहीं गढ़ पाते हैं। तो इसलिए जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारी जो चीज़ें हैं ऐतिहासिक, इसको हमें सजो के रखना चाहिए और नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी को इससे सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी वीडियो के साथ आप इन लास्ट तक जुड़े रहें तो ही जानकारी को जान पाएंगे, नहीं तो आप जानकारी से अनजान हो जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रानी कुंवर ज्योति जी के हनुमान गढ़ी मंदिर पर। आप देख सकते हैं ये वही पोखरा है जिसके अंदर से रानी जी आती थी और जाती थी। इसके ही अंदर स्थित सुरंग है, अभी हम आपको सब दिखाएंगे। ये जहाँ पे रानी जी एक रात रुकी थी और वो जो पोखरा है और हनुमान गढ़ी मंदिर का जो निर्माण कराई थी, हम अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं। ये दूसरा मंदिर है, अभी जस्ट बाद में इसके बना है, तकरीबन 35 वर्ष पुराना मंदिर है ये। तो हमारी वीडियो को आप मिस ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी जान पाएंगे इतिहास के बारे में, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। यही रास्ता जाता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है और वीडियो को लास्ट तक आप देखें। तो आइए हम चलते हैं नज़दीक, जैसा कि यहीं से स्टार्ट होता है मंदिर और इसके बारे में अभी हम आपको पूरा बताएंगे और बता भी कुछ चुके हैं। यही वो मंदिर है, हनुमान गढ़ी मंदिर, प्राचीन मंदिर है
जिसका निर्माण रानी जी ने कराया था। पंद्रहवीं सदी का ये मंदिर है, प्राचीन एनिशियंट। ये सब सदियों पुराना बरगद का वृक्ष है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, जिस पे भगवान शंकर जी का प्रतिमा का अनावरण हो चुका है, यहीं पर वो जगह थी जहाँ पर कुआं था। यहाँ पर कुछ साल पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण इस कुएं को ढंक कर और इसके ऊपर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर रानी जी एक रात रुकी थी, उस जगह को आपको दिखाते हैं। ये वही आश्रम है जहाँ पर रानी जी ने एक रात रुकी थी। और ये सारा एक ही दिन में ये सारा सब कुछ ये निर्माण करा दी, केवल मात्र एक ही दिन में। या अपने आश्रम में रुकी थी जब राजा जी से नाराज होकर चली आई थी, तो यही वो जगह है जो अब जर्जर हो चुका है या मरम्मत के लिए मोहताज है आज। तो और भी थोड़ा सा पास हम लेके चलते हैं। इस टाइम यहाँ पर भूसा उसा कुछ ऐसा वगैरह रख दिया गया है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत ही प्राचीन और पुराना ये बना हुआ है। अब इस जगह को भूसे में रख दिया गया है और यह अपनी पहचान को आज भी मोहताज नहीं है। और इसके जो बगल में है, जस्ट यहाँ पर रानी जी का जो घोड़े थे यहाँ पर बांधे जाते थे, जो आज यहाँ पर कुछ कार्यालय जैसा बनकर तैयार हो चुका है। और इस टाइम वर्तमान की स्थिति आप देख सकते हैं। उधर बगल में ओपन जिम बना दिया गया है और इस टाइम यहाँ पर गौ सेवा बना दिया गया है, यहाँ पर गाय रहती हैं। और ये प्राचीन मंदिर का अवशेष बचा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको भी। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं वो जो सुरंग थी और पोखरा जो रानी जी द्वारा जो निर्माण कराया गया था, उसको हम आपको दिखाएंगे। और हमारी वीडियो के साथ आप इन तक जुड़े रहें तो ही आप इतिहास के बारे में जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। और जो धीरे धीरे अब इतिहास को जो विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। प्राचीन पोखरा, प्राचीन मंदिर, प्राचीन कुआं जो रानी जी, माता रानी जी को और ज्योति रत्न जी द्वारा जो उस समय निर्माण कराया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इसी के बीच में वो कुआं स्थित था, वो सुरंग जो आने जाने की जो सुरंग थी, इसी के बीच में वो स्थित था, बीचों बीच जहां से रानी आती थी और जाती थी। यही वो जगह थी, मेहनगर से रानी आती थी और जाती थी, ये सुरंग बनी हुई थी, यही वो स्थान है। अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए रानी की सराय का बना हुआ रानी कौर ज्योति जी द्वारा, यही वो हनुमानगढ़ी मंदिर है जहां आज भी उनके अभी भी अवशेष बचे हुए हैं। आप यहां पर घूमने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं।
जो वर्तमान इस टाइम में ये धार्मिक स्थल के साथ साथ और यहाँ पर देखने और लड़कों को देखने का भी एक केंद्र है, जो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, और हमें तो आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, मगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, बने रहें, तो ही तो आप ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, और नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ना ही जान पाएंगे। तो सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा दिया, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।